الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں اور دوستو قرآن اور سنت کی روشنی میں جب آدمی اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ حقیقت بالکل منکشف ہو جاتی ہے کہ یہ دنیا اس کا آخری ٹھکانہ نہیں ہے اور دنیا کے مال و اسباب، دنیا کی لذتیں، دنیا کی مرغوبات یہ محض عارضی ہیں، انسانیت کو بھی یہاں سے نکل کر کے جانا ہے اور یہاں کے تمام مال و اسباب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، کوئی چیز یہاں کی دائمی اور ہمیشہ کی نہیں ہے۔ گویا ہم اور آپ ایک کیمپ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہوتا ہے آدمی اسی دنیا کے اندر اس بات کو دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کیمپوں کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، کیا وہ اس زندگی سے بہت زیادہ خوش رہتے ہیں، مسرور رہتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ انہیں تو اپنے حقیقی وطن میں، اپنے گھر میں پہنچنے کے لیے ایک عجیب قسم کی دلچسپی ہوتی ہے، کشمکش دل کے اندر رہتی ہے کہ کس طرح سے ہم اس عارضی ٹھکانے سے نکال کر کے اپنے مستقل ٹھکانے اور وطن کی طرف پہنچا دیے جائیں، یہ بے چینی کی کیفیت رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے؟ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو محض ایک معمولی سی چوک کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا کے اندر بھیج دیا تو اس جنت کے لیے وہ کتنا روتے تھے، کتنا تڑپتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے تسلی کے کلمات کہے کہ ہم نے منع کیا تھا، شیطان کی باتوں میں مت آنا، ابلیس کے بہکاوے میں، کسی کے بہکاوے میں آنے کی تم کو ضرورت کیا تھی؟ ہم نے تو قرآن، ہم نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جنت کے اندر اب عیش و عشرت کی زندگی گزارو، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، یہ تو نعمتوں سے، مرغوبات سے، لذتوں سے جنت بھری ہوئی ہے، بس ایک درخت ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ اس کے پاس کبھی مت پھٹکنا۔ شیطان نے ورغلایا اور قضاء و قدر میں یہی درج تھا، اللہ کو یہ منظور تھا
बहरहाल एक मामूली सी चूक सरजद हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने आदम व हव्वा को जन्नत से निकाल करके बाहर कर दिया। और इस आरजी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा तो वो तड़पते थे, रोते थे, बिलकते थे अपने परवरदिगार से, कितनी माफी मांगी है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल खासिरीन। अगर आप नहीं माफ फरमाएंगे तो हम तो बिल्कुल खसारे में है, टूटे में। जबकि इस पूरी दुनिया के ऊपर उस वक्त कौन था, पूरी रुए जमीन के ऊपर हजरत आदम और हव्वा थे और कोई नहीं था। इतनी भरी पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा था, लेकिन उनके सामने जन्नत की वसात, जन्नत की लज्जतें, जन्नत की राहतें, जन्नत की मरगूबात और जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लगाए गए खुद्दाम, वो सारे चीज़ें मेरे दोस्तों उनके सामने मौजूद थीं। इसलिए ये दुनिया बिल्कुल उनके सामने कचरा नजर आती थी, हेच नजर आती थी, और वो फिर से अल्लाह तबारक व तआला की उसी इनायत और तवज्जो भरी जिंदगी यानी जन्नत की जिंदगी में वापसी के लिए बेचैन थे, मुज़दरिब और बेकरार थे, रोते और बिलकते रहते थे कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, हमने कितना खसारे का सौदा कर लिया, हम शैतान के बहकावे में कहां से कहां पहुंचा दिए गए। हजरत आदम व हव्वा ने इस बात को महसूस किया, अल्लाह ने तसल्ली दी, वलकुम फिल अर्दी मुस्तकरु व मताउन इलाहीन। देखो तुम्हारे लिए दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा दिनों तक जिंदगी नहीं गुजारना है, तुम्हारे लिए दुनिया में मुख्तसर वक्त का एक ठिकाना है। वलकुम फिल अर्ज मुस्तकरुन व मताउन इलाहीन, और दुनिया के अंदर भी जीने के सामान, आसाइश और आराम के सामान मौजूद है, आरजी है, किसी मखसूस वक्त तक के लिए तुम्हें इस दुनिया के अंदर रहना है। फिर अगर अल्लाह को राजी करके हम और आप मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हुए यानी फूंक फूंक करके कदम रखते हुए चलेंगे तो जिस तरह हजरत आदम के लिए तसल्ली के कलेमात कहे गए, हमारे लिए भी वो तसल्ली के कलेमात है। लेकिन हमने तो इसी आरजी दुनिया को ऐसा बना लिया है गोया कि हमें हमेशा हमेशा इसी दुनिया के अंदर रहना है। जबकि मेरे दोस्तों हम और आप अपनी निगाहों से मुशाहदाती जिंदगी में रोज आना ये देखते हैं कि अगर एक बच्चा पैदा हो रहा है दुनिया के अंदर, आंखें खोल रहा है, तो कोई दूसरा है जो इस दुनिया के अंदर से तशरीफ ले जा रहा है, हम अपने हाथों से अपने कंधों पर उठा करके उसकी नाश को ले जाते हैं और मनो मिट्टी के नीचे दबा करके चले आते हैं कि नहीं चले आते हैं। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि रुए जमीन के ऊपर जो भी चीजें हैं और जिनके अंदर जान पाई जाती है, उनका तो बिल्कुल ये यकीन होना चाहिए कि हमारी जान हमारे जिस्म के अंदर से एक न एक दिन जुदा होनी है। कुल्लु मन अलैहा फान, ये पूरा कारोबार मिटाया जाएगा, ये सब तहस नहस होकर के रहेगा। ये दुनिया बिल्कुल आरजी ठिकाना है, इसको दवाम और हमेशगी हासिल नहीं है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अल्लाह ताला एक मकाम पर कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि इस मुशाहदाती जिंदगी को तो तुम देख ही रहे हो,
कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये तुम देख रहे हो कि हमेशा के लिए इस दुनिया को किसी का ठिकाना नहीं बनाया गया है। मिलती है किसी को उम्र दराज, मिलती है तवील मिलती है, और किसी को मुख्तसर मिलती है। कोई बचपन में ही चला जाता है, कोई जवानी में फौत हो जाता है, और कोई बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख करके अपने ठिकाने तक पहुंचाया जाता है। लेकिन जाना सबको है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर को मुखातब करके इरशाद फरमाया, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन थुम इन्नकुम यौमल कियामति इंद रब्बिकुम तक्तसिमून, कि आपको भी इस दुनिया से चले जाना है। आप पैगंबर आखिरुज़्ज़मा है, आप खातिमुल अंबिया व रसूल है। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जामिए कमालात व सिफात बनाया, आपको सबसे ज्यादा अपना महबूब बनाया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको भी मुखातब किया कि इस दुनिया से आपको भी रुखसत होना है। और रूए जमीन पर जितने लोग रहते बसते हैं, सबको इस दुनिया से रुखसत हो करके चले जाना है। यह हकीकत मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों सबके ऊपर मुनकशिफ है, सब जानते हैं। यहाँ तक कि जो जिंदीक है, जो मुलहिद है, जिन्हें किसी धर्म और मजहब से कोई वाबस्तगी नहीं है, जो अल्लाह का रसूल का और हर तरह की मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों मां बादल मौत की जिंदगी का इनकार करने वाले लोग हैं, वो भी ये कहते हैं कि मौत एक अटल हकीकत है, मौत से सबको गुजरना है। ये अटल हकीकत मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इससे किसी को इनकार नहीं है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कुरान के अंदर कि दुनिया की इस भरी पूरी इंसानी आबादी के अंदर तुम आते हुए लोगों को भी देखते हो, जाते हुए लोगों को भी देखते हो, और खुद रोजाना तुम्हारे ऊपर मौत और हयात की ये कश्मकश आती और जाती रहती है। कैसे? अल्लाहु यतवफ्फल अनफुस हीन मौतिहा, यकीनी मौत का जब वक्त मुकर्ररा आ जाता है, इज़राइल को मलकुल मौत को रूह के कब्ज करने का हुक्म हो जाता है, तो हम देखते हैं आदमी अच्छा खासा लेटा था बैठा था, अचानक उसके ऊपर कोई आफत आती है, किसी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होता है, बैठे हुए लेटे हुए खड़े हुए हार्ट की तकलीफ उठती है, दिल की धड़कन बंद होती है, इस दुनिया से चला जाता है कि नहीं चला जाता है। मुख्तलिफ बहाने अल्लाह तबारक व तआला ने मलकुल मौत की सिफारिश से मौत के लिए इस दुनिया के अंदर रखे हैं। कोई जीक नफ्स में मुबतला होकर के अपनी जान गमा देता है, कोई डूब करके मरता है, कोई जल करके मरता है, कोई एक्सीडेंट में मरता है, बहरहाल मुख्तलिफ आलात और असबाब हैं जिनकी बुनियादों पर हमने रूहों को परवाज होते हुए इस दुनिया के अंदर देखा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब जिसकी मौत का मुतय्यना वक्त हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जान को अपने कब्जे में ले लेता है, उसे वफात दे देता है। अल्लाहु यतवफ्फल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। अब आइए हम और आप जो अपने आप को अल्लाह के फजल से जिंदा समझते हैं और यकीनन जिंदा हैं, हमारी
जान हमारे जिस्म के साथ जुड़ी हुई है, ये हाथों की हरकतें बतला रही हैं, ये निगाहों का उलट फेर बतला रहा है, ये दिल की धड़कन बतला रही है, ये पैरों का उठाना बतला रहा है कि हमारी जान का हमारे जिस्म के साथ ताल्लुक बाकी है। और यही ताल्लुक जब जिस्म और जान का एक दूसरे से मुनकते होता है तो मेरे दोस्तों उसे मौत से ताबीर किया जाता है, एक लाश एक बेजान बन करके आदमी पड़ा रहता है। अब ना उसके अंदर हरकत करने की सलाहियत है, ना आँख खोलने की सलाहियत है, ना जुबान बोलने की सलाहियत रखती है, ना पांव चलने की सलाहियत रखते हैं। ये हम और आप अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम सोते हो, वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और वो जाने भी अल्लाह तबारक व तआला के पास चली जाती हैं ख्वाब और नींद के वक्त में, जिनके ऊपर अभी वाकई मौत तारी नहीं हुई है। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, जो जाने अभी मरी नहीं है, वो भी अपने ख्वाब में अपनी नींद में परवरदिगार के पास पहुंचती हैं। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वो कहते हैं कि सुन्नत के तरीके को अपनाओ, जब सोने के लिए जाने लगो तो वजू कर लिया करो। क्यों? इसलिए कि जब बंदा सोता है तो उसकी रूह अल्लाह तबारक व तआला के तख्त पर उठ खड़ी होती है, और अगर वो बावजू होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे सजदे करवाते हैं और उससे राजी और खुश होते हैं। हम ये मामूल बनाएं, चाहे दिन में कैलूला के लिए हम सोने का इरादा करें या रात में जब सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाने लगे तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों वजू कर लिया करें। अगर वजू करके ये पाकीजा रूह अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगी तो उस वक्त भी जब हम सोते रहेंगे उसको सजदा करने की इजाजत मिलेगी, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने का एक मौका सोने की हालत में भी हमारी रूहों को फराहम किया जाएगा। तो ये तो कुरान की आयत के ज़िम्न में एक बात आ गई, मैंने बता दिया। अल्लाह ताला कहते हैं वो रूहें भी जिनकी अभी वाकई मौत नहीं हुई है, वो भी तो अपने ख्वाब में, अपने मनाम में और नींद की हालत में अपने परवरदिगार के पास जिस्म से अलाहिदा होकर के चली जाती हैं। वल्लती लम तमुत फी मनामिया فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى। फिर अल्लाह तबारक व तआला जिस रूह को कब्ज करने का इरादा कर चुके हैं तो फिर वो दोबारा उठ नहीं सकता, उसे अपने पास रोक लेते हैं उस रूह को, और जिसे अभी मजीद जिंदगी देने का अल्लाह तबारक व तआला इरादा रखते हैं उसे आजाद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर से वो जिस्म तक पहुंच जाती है और वो बंदा उठ खड़ा होता है अपने कारोबार में, अपनी तिजारत में, इबादत में, रियाजत में, मुआमलात में शिरकत करता है। जब वक्त आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी रोक लेगा और दोबारा उठने की मेरे दोस्तों हम अपनी ताकत और तवानाई को खो देंगे। ताकत हमारी कैसी? ताकत तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى, हमेशा के लिए नहीं, एक वक्त मुतय्यना तक के लिए ही हमको और आपको इस रूए जमीन के ऊपर रहना है, जीना है। उसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ,
यकीनन इस कश्मकश में उन लोगों के लिए निशानी है, इबरत है, जो गौर करते हैं, तदब्बुर करते हैं, तफक्कुर करते हैं, सोचते हैं, उनको मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसी कश्मकश के नतीजे में ये पता चल जाता है कि हमें इस आरजी और मुख्तसर सी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के मुताबिक ही गुजारना चाहिए, ताकि हम अपने उस ठिकाने को दरियाफ्त कर सकें जिस ठिकाने से हमको हजरत आदम आला नबीना वालेही सलातु वस्सलाम के जिम्न में निकाल करके इस रूए जमीन के ऊपर भेजा गया है। हजरत आदम ने क्या किया? हजरत आदम ने इस रूए जमीन पर अल्लाह के नाम का नारा बुलंद किया, उसके सामने अपनी पेशानी और नाक को रगड़ा, उसकी इबादत की, उसकी मर्जियात के मुताबिक हजरत आदम अलैहि सलातु वस्सलाम ने चल करके दिखाया। हजरत हव्वा ने अल्लाह के अहकाम की तामील की मेरे दोस्तों, और फिर उसी सिलसिले को लेकर के इंसानियत आगे बढ़ी, और जब जब उसके अंदर कमजोरी पैदा हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया और रसूल को इस रूए जमीन पर उतार उतार करके किताबें और सहीफे भेज भेज करके उस ठिकाने को दरियाफ्त करने के असबाब मेरे दोस्तों मुहैया फरमाए, ताकि पैगंबर आखिर समा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर आखिर जमा बन करके इस दुनिया में तशरीफ लाए, और आपने भी उन्हीं सारे रास्तों को आकर के खोलने का काम किया, जिस रास्ते पर चल करके ये इंसानियत अपनी दुनिया को भी फलाह व बहबूद से हमकनार कर सकती है, और अपनी आखिरत को भी बामुराद और कामयाब कर सकती है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमको और आपको यह फैसला करना है कि हम इस दुनिया के अंदर जब हमेशा हमेश के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारा एक मुख्तसर सा हाल्ट है, हम एक कैंप की गोया जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारा वतन असली तो जन्नत है, हम अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने वाले आमाल को पाबंदी के साथ अंजाम देंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, हज करेंगे, इबादतों में अपने आप को मसरूफ रखेंगे, और साथ ही साथ हमारा मजहब, हमारा धर्म जहां हुकूकुल्लाह की तरगीब देता है कि इनकी अदायगी में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, वही हुकूकुल इबाद की अदायगी के लिए भी मजहब इस्लाम हमें उठ खड़ा करने की तलकीन करता है। यही वो मजहब है जो ये कहता है कि रहबानियत में, किसी गोशे आफियत में, अपनी कुटिया में, किसी गार में, किसी तन्हाई की जगह में ही बैठ करके सिर्फ अल्लाह को तलाश करने का मत मन बनाओ, बल्कि समाज में आओ, मुआशरे में आओ, सोसाइटी में रहो, और वहां देखो इबादतों का, नेकियों का, भलाइयों का ग्राफ कितना ऊंचा हो रहा है, बुराइयां दब रही हैं या पनप रही और बढ़ रही हैं, अपनी निगाहों से देखो, और जितना मुमकिन हो सके पूरे समाज और मुआशरे को दावत और तबलीग के निजाम से वाबस्ता करके समाज में फैली हुई बुराइयों पर कदम लगाओ, समाज के नौजवानों को संभालो, समाज की बेपर्दगी को तुम लोग दूर करो, अपने बच्चियों को हिजाब की जिंदगी गुजारने की तलकीन करो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। और दूसरी तरफ मजहब इस्लाम खिदमत खल्क के जज्बे को भी अपने मानने वालों में पैदा करता है कि तुम देखो कौन भूखा है, कौन ऐसा है जिसके पास पहनने के लिए
लिए कपड़े नहीं, किसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए असबाब नहीं है, दामे दिरमे कदमे सखुने एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होकर के काम आने वाले बनो। मजहब इस्लाम मुआशरती और समाजी जिंदगी के ऊपर जोर देता है तबक्तुल और तन्हाई, गोशे आफियत में बैठ करके सिर्फ अपनी जिंदगी और अपनी आखिरत को संवारने की फिक्र रखना, ये मजहब इस्लाम की सच्ची और हकीकी नुमाइंदगी न समझने की वजह से मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों पैदा होती है। हम अल्लाह से तौफीक मांगे अपने लिए भी और पूरे समाज और सोसाइटी को बनाने के लिए भी। और मेरे दोस्तों, मौत को तो हमेशा अपनी नजर के सामने रखें, यही मौत जब बार बार हमारे सामने आकर के खड़ी होती है, उसका तसव्वुर हमारे दिल और दिमाग के अंदर रहता है। और चूंकि हमारा ये यकीन भी है कि मौत की वजह से इंसानियत हमेशा के लिए फना नहीं होती, उसका जिस्म फना होता है और उसकी रूह तो अल्लाह तबारक व तआला ने जमा कर ली है, अब हमेशा हमेश इसे बाकी और जिंदा रहना है। और माबादल मौत की जिंदगी का तसव्वुर हम रखते हैं, जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के राजी करने वाले आमाल से मेरे दोस्तों अपने आप को वाबस्ता इस दुनिया के अंदर रखेगा, माबादल मौत की जिंदगी में जन्नत और बहिश्त उसका इस्तकबाल करेगी, वहाँ की लज्जतें वहाँ की नेमतें मेरे दोस्तों हमारा और आपका इस्तकबाल करेंगी, बशर्ते कि हम इसी मुख्तसर सी जिंदगी में इसी आरजी दुनिया के अंदर इम्तिहान और इब्तिला और आजमाइश में कामयाब बन करके दिखाएं। अच्छे हालात हो तब भी अल्लाह एक है यही नारा बुलंद होगा, और पैगंबर की सीरत ही दुनिया और आखिरत में फलाह व नजात की जामिन है। हालात मुश्किल आए तब भी अल्लाह की किबरियाई का नारा बुलंद होता रहे। मेरे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो बंदा मेरी सीरत और सुन्नत से वाबस्ता होता है, अल्लाह तबारक व ताला दुश्मनों के दिलों के अंदर उसकी हैबत और उसका रोब पैवस्त कर देता है, उसकी आखिरत समर जाती है और वह अपने ईमान के ऊपर पुख्ता कार बन जाता है। दसीसा कारियों में और मेरे दोस्तों शैतान की चालों में वो कभी भी गिरफ्तार नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हम सबको इस आरजी जिंदगी में अपने राजी करने वाले आमाल से वाबस्ता रखे, और माबादल मौत की जो जिंदगी है अल्लाह ताला हम सब के लिए जन्नत और बहिश्त नसीब फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।